छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन भी जी जान से जुटा हुआ है। जैसे कि विदित है कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु 3 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन को लेकर नारायणपुर कलेक्टर PS एल्मा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें आयात निर्यात हेतु पैक हाउस जैसी संरचना, बीज एवं उद्यानिक उत्पाद के निरीक्षण एवं ट्रीटमेंट सुविधाएं के साथ ही वृक्षारोपण एवं वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियां होंगी। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में व्यावसायिक दुकान प्रतिष्ठान सप्ताह में 2 दिन खुलेंगे। बता दें कि बर्तन कपड़ा ज्वेलरी की दुकान सोमवार को एवं गुरुवार को खुलेगी। छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकान, स्टेशनरी मार्ट एवं फैंसी स्टोर, प्रोविजन स्टोर मंगलवार एवं शुक्रवार को खुले रहेंगे। इसी प्रकार से बुधवार एवं शनिवार को बिजली के पंखे, कूलर एवं इलेक्ट्रिक सामग्री के विक्रय तथा मरम्मत एवं जूते चप्पल की दुकान जनता की सहूलियत के लिए खुलेंगी। कलेक्टर एल्मा द्वारा ताजा जारी आदेश में कहा गया है कि रोज खुलने वाली दुकानों में सब्जी, फल, अनाज, डेली नीड्स, खाद्यान्न, किराने, सभी प्रकार की कृषि संबंधी मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स विक्रय एवं मरम्मत आदि की दुकानों के अलावा मांसाहारी दुकानें भी खुलेंगी। आदेश में कहा गया है कि निर्माण संबंधी हार्डवेयर, ऑप्टिकल, मोबाइल रिचार्ज के साथ ही दोपहिया एवं 4 पहिया वाहनों के पंचर एवं स्पेयर पार्ट्स व दुकान भी खुली रहेंगी। आटा मिल एवं दाल की भी दुकानें चालू रहेंगी। वहीं मिस्त्री, बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर रिपेयर की केवल सेवाओं की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और मेडिकल की दुकान प्रतिष्ठान के अतिरिक्त लॉकडाउन के दौरान छूट प्राप्त समस्त दुकानें प्रतिष्ठान को प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। कलेक्टर एल्मा ने जारी आदेश में कहा कि समस्त दुकानों प्रतिष्ठानों में दुकानदारों, कर्मचारी एवं ग्राहक सभी को मास्क अथवा कपड़े से मुंह एवं नाक को ढकना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य होगा। नारायणपुर से संवाददाता गेंदलाल मरकाम की रिपोर्ट। नागपुर में जो कोविड-19 के संदर्भ में जो दुकानें हम लोगों ने चालू की हैं, उसमें से सबसे पहले तो ये आपके अत्यावश्यक सामान वाले हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जी, इस तरह की दुकानें हैं वो नियमित रूप से खुल रही हैं। इसके अतिरिक्त जो गैस है, पेट्रोल पंप है और आपका अन्य जो चीज़ें हैं आवश्यक वाली वो चालू हैं, और ये जो नियमित रूप से चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो आवश्यक चीज़ें जो लगते हैं पब्लिक को, उसमें से हम लोगों ने अलग अलग टाइम के लिए समय बांध के तारीख निर्धारित किया हुआ है। उस तारीख के अनुसार हम लोगों ने खोलने की अनुमति दी हुई है। जैसे उसमें मुख्य रूप से बर्तन दुकान है, कपड़ा का है, ज्वेलरी का है, जिसको हम लोगों ने सोमवार और गुरुवार को दिया हुआ है। स्टेशनरी का है, चश्मे की दुकान है, या फिर बिजली, पंखे, कूलर आदि के जो मरम्मत के हैं, इसको हम लोगों ने अलग अलग तारीख दिन को दिया हुआ है, जैसे मंगलवार और शुक्रवार को दिया हुआ है। जूते चप्पल की दुकान है, उसको बुधवार को और शुक्रवार को दिया हुआ है। इसकी सबकी टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक का है। लेकिन सब्जी और आपके पेट्रोल पंप हैं, गैस हैं, इस तरह की जो दुकानें हैं वो कंटिन्यू 24 घंटा खुल रहे हैं। मेडिकल स्टोर हैं 24 घंटा, 3 जो चीज़ें हैं विशेष तौर पे मेडिकल 24 घंटा खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बाकी जो दुकान है, डेली नीड्स के हैं, किराना स्टोर्स हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे खुल रहे हैं। उसके बाद मोबाइल चार्जर के हैं, दोपहिया वाहन के मरम्मत वगैरह के हैं, मिस्त्री है, बढ़ाई, प्लम्बर वगैरह दुकानें हैं, सारे हम लोगों ने दिया हुआ है। लेकिन इसका टाइमिंग अलग हुआ है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिन निर्धारित किया हुआ है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.